Good morning folks, 6 बज गए और अपना दिमाग का कीड़ा चल पड़ता है और वॉक अप अराउंड 5:30 और अब चले वॉक पे। ये था हमारा गेस्ट हाउस, वो आगे जाके लेफ्ट पे है बनी की रोड, ये है पसोली टाउन, ये PWD गेस्ट हाउस जहाँ हम स्टे किए थे। अभी 8-9 बजे तक विल बी गोइंग टू बनी जो 80 किलोमीटर है, अभी 3-4 घंटे लग जाते हैं। चिरिल को दिख रहा है वहाँ पे बोर्ड पे, चिरिल इज 23 किलोमीटर, कोई भूंड जगह है 40 किलोमीटर, पेपरी 50, ककूरी कंडू ही पता नहीं क्या लिखा है, कारू 61 किलोमीटर है, बनी 85 किलोमीटर है। जय बजरंग बली। यहाँ वॉक करते करते हमें आज ट्यूसडे भी है तो बजरंग बली जी के दर्शन हो गए। ये है बसोली का मेन सिटी का एरिया, श्री राम लीला मैदान, अंदर जाती होंगी गलियाँ हैं डीप कहीं पे, यहाँ से राम सेतु भी, अटल सेतु भी दिख रहा था हमें। चलेंगे फिर हम वापस। ओके सी यू, बाय बाय टाटा। वो देखो किला है, वो पुराना है भैया, वो किला सामने। ये बसोली का जोनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हालत देखो यार, किसी का पढ़ने का भी मन नहीं करेगा यहाँ पे तो। आज से कोई 20-30-40-50-150-200 साल पहले, 1000 साल पहले कोई बिल्डिंग बनी हुई लग रही है। सिर्फ झंडा ही नहीं है यहाँ पे, मे बी वो ताला। वो देखो एंड सरप्राइज, चिनार का पेड़ मिल गया। बुरे हाल हैं जगहों के। जोनल एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस देखो, कमाल है। गुड मॉर्निंग फिर से, टुडे इज 14 सितंबर और हमें बसोली में एक छोटा सा सरप्राइज दिखा, लोटस पॉन्ड। और यहीं पे बीच में कोई लोकल भाई साहब खड़े हैं, इनकी गाय ने यहाँ पे बीच में स्विमिंग का प्लान बनाया था बट समहाउ थोड़ा नीचे मार्शी होता है तो शी इज गॉट स्टक। देखो कितना बड़ा लोटस है बीच में, मे बी यू कैन सी, मैं बड़ा सूदिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। हाय गुड मॉर्निंग, हम हैं बसोली बस स्टैंड पे, हमारा गेस्ट हाउस का जो कुक है वो चला गया घर तो अभी हमें खाना और चाय कुछ नहीं मिल रही है, तो इधर ढाबे पे आके हम चाय लेने आए हैं। बिट्टू स्वीट शॉप पे हम आए चाय लेने और यहाँ पे हमें दिखा देसी खोया, ये हमारी चाय बन रही है। खोया अंकल, ये रंग अलग अलग क्यों होते हैं, एक गाँव का एक उसका भैंस के दूध का? अच्छा अच्छा काटने से होता है। अभी बर्फी बनाओगे इसकी? बढ़िया देसी फ्रेश खोया।
बसोली से सुबह 10:15 निकले थे और अभी 11:30 हुए हैं। अभी कोई विलेज क्रॉस किया हमने, उसका नाम था बोलूँगा नहीं, BHOONDया शीतल नगर। और व्यूज़ देखो कितने सुंदर हैं, जस्ट लुक एट द व्यूज़। वो रंजीत सागर डैम भी दिख रहा है पीछे, नॉट डैम एग्जैक्टली बट इनकैचमेंट लेक। पानी अच्छा खासा है, सुंदर लश ग्रीन एकदम ब्यूटीफुल। ये ना वो आज ऐसे लग रहा है। नमस्ते। हमारे रास्ते में एक छोटा सा वाटरफॉल आया है, है ना? हाँ। ब्यूटीफुल। सूदिंग कितना है? Yes, look at that. आप मत आना, मेरे शूज वाटरप्रूफ है, मैं डाल के ले आता हूँ। रोड के किनारे शॉर्ट ब्रेक अराउंड 25 to 30 किलोमीटर का बनी। इस जगह को क्या बोलते हैं कुछ नहीं पता, क्विक वॉशिंग एरिया फॉर लोकल पीपल। 4 वो बताएंगे। नाइस क्लीन एरिया यहाँ पे ना बसोली से बनी। हमें हार्डली 10 या 15 गाड़ियाँ दिखी हैं टोटल, अभी तक ट्रैफिक बिल्कुल नहीं। रोड अच्छी, वी आर समवेयर बिटवीन बसोली एंड बनी, नॉट इवन बिटवीन, 25 किलोमीटर होगा यहाँ से बनी। और ये चल रहा है साथ साथ में, आगे व्यू अच्छा लग रहा है, अभी दिखाता हूँ। चलो, ब्यूटीफुल वाटरफॉल फाउंड मिडवे, रिवर क्रॉसिंग किया है थोड़ा सा, जस्ट सी कितना सुंदर है, वेरी नाइस। Finally, we have reached Bani after so many stops. Weather clear था but अभी clouds आ रहे हैं। अभी time हुआ है 2:00, 10:00 निकले थे हम, 4 में मस्ती से आए हैं। ऐसे तो 2.5 to 3 में हो जाएगा कवर ये बसोली टू बनी। ये TRC है और ये बाकी
की। अब देखते हैं अंदर क्या क्या है, कैसे रूम्स हैं, हम जो भी हैं यही हैं, अच्छे ही लग रहे हैं। दिस इज ये फर्स्ट फ्लोर बैल्कनी से व्यू है, गर्मी तो अच्छी खासी है, 28 के आसपास टेम्परेचर होगा। ये है जेके टीडीसी की हट्स, नॉट हट्स एग्जैक्टली, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इनके पास 16 बिग रूम्स हैं एंड दे कैन अकोमोडेट अराउंड 60-70 लोग आसानी से, ज़्यादा अच्छा है। ये है पनी रिवर सेवा, आई डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रॉल। अभी ये इसी टीआरसी की प्रॉपर्टी है, चलो चलो चलो, एक छोटा सा ब्रिज है यहाँ पे, देख के आते हैं कैसा। अच्छा एक लोकल स्ट्रीम है यहाँ पे, वेरी नाइस, बढ़िया है ये तो। कैसा लगा भैया, बढ़िया भागते हो आ रहे हैं? टीआरसी लॉबी नहीं, सरप्राइजिंगली अपने भैया हैं जम्मू के, वही इसको रन कर रहे हैं। लॉबी अच्छी नीट एंड क्लीन रखी है आपने, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना साफ सुथरा होगा। एंड जस्ट एन एग्जांपल, आई विल शो यू द रूम्स कैसे हैं। बहुत दूर है, बहुत दूर, अभी हमारा प्लान चेंज हो रहा है, वी आर नॉट वन स्टे हेयर। अरे भाई साहब, ये कोई पार्टी करके गया हुआ कल यहाँ, वी आर नॉट स्टेइंग हेयर टुडे, प्लानिंग टू गो टू सरथल, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। ये रूम्स से आपको रिवर का व्यू दिखेगा, कह रहे हैं ऊपर वाले रूम्स जो है ज़्यादा बड़े हैं, तो फिलहाल अभी डिस्कस करेंगे लंच करके कि यहाँ रुकना है या सुबह सुबह सरथल निकल जाना है। व्हाट आई एम प्लानिंग इज के सरथल ही निकल जाते हैं।